अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं दो वीडियो से मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत डिटेल के साथ सॉल्व करता हूं, इसमें मैं सिर्फ दुरुस्त ऑप्शन आपको बताता चलूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो ये होता है हमारे पास 4πr² गालबन बी ऑप्शन जो है इस पर ये लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास करेक्ट है। डैशेज इसमें हमारे पास जो ऑप्शन 2 था ये क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास आइडियलिज्म डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जॉन डेवी से एजुकेशन इज प्राइमली डैश प्रोसेस, तो ये मेंटल प्रोसेस सी ऑप्शन हमारे पास सोशल प्रोसेस डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास कवायद की रूह से महाराजा कौन सा है, तो महाराजा इसमें मुकब्बर है, सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला जो एमसीक्यूज है नीज इस पर, अच्छा जी, किस हाल में खुश नहीं रहता कि मुसनफ कौन, तो इसमें हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास उमेर जहीन लड़का है, मुरक्कब भी कौन सी किस्म है, तो ये दोस्तों मुरक्कब इताम बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक इन विच वोलेटाइल सब्सटेंस विच इवेपोरेट इजीली इज सेपरेटेड डैश, तो इसमें हमारे पास जो सेवन है, तो सेवन में हमारे पास ये सी जो है डिस्टिलेशन जो है इसमें ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो एमसीक्यूज है डैश इज, ये तो बहुत थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पर इसको, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस जो है ये मेराज जो गल्फ होता है खलीज, जिस तरह हम एक धोखा आप कहते हैं वहाँ पर, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है हमारे पास बी ऑप्शन, जिस तरह दूर से कहीं कि आपको पानी नजर आ जाए और वहाँ पर फिर पानी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये जो एमसीक्यूज है नाइन्थ द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्सियन वेव्स वेयर, ये हमारे पास इसमें ए ऑप्शन जो है ये क्रेस्ट ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो 10 एमसीक्यूज है दसवें नंबर पर ही लास्ट द मैच डैश हैज, तो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ही लास्ट द मैच हैज डैश, यहाँ पर ये थोड़ा सा लास्ट जो ये क्लियर नहीं है, एमसी कमेंट बॉक्स में हम इसको क्लियर कर लेंगे कि आगे जो कुछ है तो उसके मुताबिक यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज आप करेंगे। नेक्स्ट शी इज डैश, यहाँ पर 11th में हमारे पास इसका जो बन रहा था इज अ डैश अरेक, सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। ही मिस अवर ट्रेन यानी बिकॉज वी वर डैश, विच टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज, ये हमारे पास है कम्प्लेक्स सेंटेंस। और नेक्स्ट हमारे पास अदाय मजलिस की तारीख किस सूरत में, ये कल मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा चुका हूँ, सूरतुल माईदा भी हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट व्हेन सी वेव्स, अच्छा, अराउंड द बेस ऑफ द क्लब डीप, तो इसमें हमारे पास जो होगा 14th में हमारे पास सी केव्स भी हमारे पास करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 15 नंबर यहाँ पर जो एमसीक्यू डैश इज अ वर्टिकल बार ग्राफ विद नो स्पेसेस यानी बिटवीन द बार्स, तो इसमें हमारे पास ये है हिस्टोग्राम, डी हमारे पास करेक्ट है। अगला जो कि द थर्ड प्रोपोर्शन आप ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड ए बी सी, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इसको अगर आप जो थर्ड है वो प्रोपोर्शन करेंगे, आप प्रोपोर्शन उसको एक्स करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या तरबेन को तरबेन के साथ, वस्तेन को वस्तेन के साथ, तो ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। द एंगल फॉर्म बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइड्स टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, अपर जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, नीचे होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, बी हमारे पास करेक्ट है, यानी किसी भी पॉइंट से नीचे। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू आर नॉट पैरेलल, तो हमारे पास दोस्तों
यानी जो स्क्वायर होता है इसमें दोनों साइडें जो है ना ये पैरेलल होती हैं, और इसी तरह रेक्टेंगल में भी हमारे पास ऐसा ही होता है। लेकिन अच्छा, अगर रोम्बस में भी ऐसा होता है, लेकिन ट्रेपेज़ियम में आप देखते हैं, यहाँ पर एक मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये इसमें ये साइड और ये साइड तो हमारे पास दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ये इसके अलावा जो हैं ये पैरेलल नहीं है। तो इस ये जो फिगर मैंने ड्रा किया इसको कहते हैं ट्रेपेज़ियम, सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास अलमारूक के मानी है। तो यहाँ पर दोस्तों बाज़ दोस्तों ने इसका मुख्तलिफ जो है ना ऑप्शन बताया होगा, लेकिन इसका मतलब जो बनता है यानी जिस तरह अमल में अमर बिलमारूफ में ही अनिल मुनकर, यानी बुराई से रोकना और नेकी की तरफ बुलाना, तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन नेकी होना चाहिए। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं किसी क्वेश्चंस में अगर आपको गलती नज़र आए। उस समय में बात को ज़्यादा मौसर को अपने खुतबों का आगाज़ करते, किस तरह करते जी, तो हकीमाना अंदाज से गुफ्तगू से यानी उस तरह शुरू फरमाते थे, हकीमाना अंदाज। तो इसमें डी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड डेश। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ये डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। कुशान ट्राइब वाज सेटल इन डेश, नॉर्थ वेस्ट चाइना और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है बी, नॉर्थ वेस्ट चाइना, बी हमारे पास करेक्ट है। 23, हु रोट्स मैगजीन्स बाय द नेम ऑफ अज़बाब बगावत हिंद। तो ये 23 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है, डी होना चाहिए, सर सैयद अहमद खान। और ये क्वेश्चंस हमने मैथमेटिक्स का जो सॉल्व किया है, ए रेशो बी इक्वल टू 3:5 एंड बी रेशो सी इक्वल टू 1:2 देन ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू, यानी इस तरह आप लिखेंगे इसको, यानी ए रेशो बी रेशो सी आप करेंगे तो ए और बी का जो रेशो है वो 3:5 है, जबकि सी बी और सी का 1:2 है। तो इसको इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 3 और यहाँ पर 5 1s are 5 और 5 2s are 10। तो इसमें ये डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। अगले ये तकरीबन 24 क्वेश्चंस थे यहाँ तक हमारे पास इसमें। नेक्स्ट दोस्तों, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल आप 11। तो दोस्तों ये आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी इसका जो आपके पास टेबल बनते हैं, यानी 11 11 22 33 और 44 जमा 45 बटा कितने नंबर हैं 5, तो ये टोटल बनेगा आपके पास 165। 165 को 5 पे करें, 5 3 15 एक यहाँ पर आ जाएगा और 5 3 15 33 इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है, और 33 जो है आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में ये मौजूद है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम्स यानी जो प्राइम नंबर्स का मजमू, प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप के ऊपर तकसीम होते हैं। तो यहाँ पर 18 तो हमारे पास है ही नहीं, 12 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, तो 23 ये जो लास्ट वन आपके पास आ रहा है ये जो ना दोनों नंबर प्राइम है, ये किसी और नंबर पर तकसीम नहीं होते, सिर्फ वन पर और अपने आप पर तकसीम होते हैं, इसको कहते हैं को प्राइम, यानी उसकी को प्राइम नंबर्स की एक जोड़ी है। नेक्स्ट आगे हमारे पास द ह्यूमन ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन बोनी केस कॉल्ड डिश। तो ये होता है हमारे पास क्रेनियम, बी हमारे पास करेक्ट है इसमें। अच्छा जी, न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ डिश, तो ये होगा इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स और मैकेनिकल वेव्स, इसमें ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस एमसीक्यूज़ को हम क्लियर करके कमेंट बॉक्स में 28 को कर लेंगे, अगर आपको क्लियर है तो आप खुद कमेंट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी बॉट अ हाउस इन विच इज वेरी ओल्ड, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डैश। तो 29 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बन रहा है 29 में
वह है रिलेटिव क्लॉज। तो ये इसमें हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास द वर्ड एम्ब्रेस इज एंटोनम। एम्ब्रेस कहते हैं गले लगाना को और किसी को रिजेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मुतजाद है सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है 31 है। इट इज डेश 20 ईयर्स सिंस ही प्लेड फुटबॉल। तो कब से, तो ये दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, ये इट हैज़ बीन 20 ईयर्स सिंस यानी ही प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास द वर्ड डिस्टिंक्शन मीन। डिस्टिंक्शन कहते हैं फ़र्क को, इम्तियाज को। तो ये डिफरेंस यहाँ पर आप कह सकते हैं इसका बी। नेक्स्ट हमारे पास 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है। वी पॉन्ड इट अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड। द गिवन सेंटेंस इज द एग्जांपल ऑफ डैश। तो 33 में हमारे पास दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर बनता है यानी वी पॉन्ड इट अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ सैंड। द गिवन सेंटेंस इज द एग्जांपल ऑफ, तो इसमें जो करेक्ट आंसर, तो ये हमारे पास मेटाफर, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हमारी कोशिश होगी बाकी हम अगले जो है ना उसमें कर लें, वीडियो में सॉल्व कर लें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी आप लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद भी बाकी वीडियोज़ का आपको बर वक्त यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।